बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के पुराने नेता और लालू प्रसाद यादव के साथ लंबे समय तक राजनीति करने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीते कुछ दिनों में आरजेडी के कई एमएलसी और एमएलए पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जेल में हैं और ऐसे में रघुवंश प्रसाद के जाने से पार्टी को चुनाव प्रचार में खासी दिक्कत पेश आ सकती है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने चिट्ठी लिखकर अपने इस्तीफे की घोषणा की है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जब जून में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था तो तभी यह माना जा रहा था कि वह अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, लेकिन उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिशें की गईं, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व दबंग सांसद रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने की चर्चाओं के बाद ही रघुवंश ने अपनी नाराजगी जता दी थी। यह बात लालू और तेजस्वी यादव को भी पता थी, लेकिन इसके बाद भी रामा सिंह को पार्टी में शामिल किया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि रघुवंश प्रसाद ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि जेडीयू ने रघुवंश प्रसाद को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा था कि रघुवंश जी की आरजेडी में लगातार उपेक्षा हो रही है और अगर वह जेडीयू में आते हैं तो यह खुशी की बात होगी। न्यूज़ डेस्क।